तो अब हम लोग जो क्वेश्चन का पार्ट भी है वो कर लेते हैं। तो एक ही रो में जो चार हमारे पास शेप्स हैं उनको शो करवाना है एक ही रो में, तो कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ एन आई जे एंड मैं लेता हूँ एस, एस स्पेस के लिए आई अपर लूप के लिए जे हमारा स्टार प्रिंट करवाएगा। तो अपर लूप ले लेता हूँ मैं फॉर इन हमारे पास जो आई इज इक्वल टू वन है देन आई लेस देन इक्वल टू टेन देन आई प्लस प्लस। तो ये जो जो मैंने लिया अपर लूप ये तो हमारे जो चारों के लिए होगी क्योंकि चारों एक ही रो में प्रिंट होने हैं ये अपर लूप। अब जो हर रे के लिए पहले लिया था जो स्पेसिस सिर्फ दो के लिए लास्ट वाले में स्पेसिस लेते थे लेकिन अब चारों के लिए स्पेसिस लेनी पड़ेंगी। तो मैं पार्ट ए कर लेता हूँ वैसे इधर कमेंट करता हूँ पार्ट ए। ये पार्ट ए के लिए मैं लेता हूँ फॉर हमारे पास जो जे इज इक्वल टू वन कर लेता हूँ और हमारे पास जे है वो लेस देन इक्वल टू आई कर लेता हूँ एंड देन जे प्लस प्लस। इससे मैं प्रिंट करता हूँ स्टेरिक ये होगा मतलब जो पहले स्टार हो गए पहले दफा वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार इस तरह ये प्रिंट करवाएगा। देन मैं स्पेस दे देता हूँ फॉर स्पेस के लिए मैं एस रखा हुआ था एस इज इक्वल टू वन एंड देन एस लेस देन इक्वल टू टेन माइनस जो हमारा आई है जैसे जैसे आई बढ़ता है स्पेसिस कम होती जाए एंड देन मैं दे देता हूँ एस प्लस प्लस। मैं तो लिख देता हूँ सी आउट स्पेस तो मैं सी आउट ये भी करता हूँ बैक स्लैश टी ताकि जो एक शेप है दूसरी शेप से इतने फासले पे हो उसके लिए मैं बैक स्लैश टी कर दिया। तो पार्ट ए तो मैंने हो गया पार्ट बी कर लेते हैं दूसरी शेप के लिए पार्ट टू ले लेता हूँ। इसमें हमारे पास चलेगा फॉर जे इज इक्वल टू हमारे पास टेन होगा एंड देन जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड देन जे माइनस माइनस ये होगा हमारे पास और ये हमारे पास जो स्टैटिक प्रिंट करवाएगा ये हमारे पास स्टैटिक प्रिंट करवा देगा एंड देन इसके लिए भी हमें स्पेस देनी पड़ेगी। तो फॉर इसके लिए लाइक पहली दफा ये टेन प्रिंट करा देगा स्टार पहली दफा स्पेस नहीं होगी दूसरी दफा स्पेस होगी। पहले वाले के लिए स्पेस 9876 थी इस वाले में 0123 इस तरह स्पेसेस जाएंगे क्योंकि स्टैटिक उस तरह आए हैं इसके। तो मैं स्पेस दे देता हूँ एस इज इक्वल टू वन एंड जो एस है वो लेस देन हो हमारे आई से एंड देन हो एस प्लस प्लस एंड देन मैं सी आउट करवा देता हूँ स्पेस को मैं सी आउट करवा लिया। तो अब बैक स्लैश टी दोबारा मैं लगा दूंगा ताकि जो ये भी है ना वो अगले वाले से थोड़ा फासले पर हो ताकि हमें जो व्यू है वो क्लियर मिल सके कि शेप बन गई है। तो अब मैं करता हूँ पार्ट थ्री इसमें मैं करता हूँ फार इसमें पहले हमने स्पेसेस दे रही हैं ऊपर वाले में पहले हम स्टैटिक प्रिंट करते थे देन हम स्पेसेस दे रहे थे। तो पार्ट थ्री में हमने पहले स्पेसेस देनी है देन हमने स्टैटिक प्रिंट करवाने हैं। एस इज इक्वल टू टेन कर दिया हमने और कर दिया हमारे पास जो एस है वो ग्रेटर देन हो आई आई से जो हमारी अपर लूप थी एंड देन जो है एस माइनस माइनस ये हमारे पास जो है स्पेस प्रिंट करवाएगा स्पेस प्रिंट करवा दी एंड देन अब इसके स्टैटिक प्रिंट करवाने हैं। तो मैं लिखूंगा फॉर जे इज इक्वल टू वन एंड देन जे जो हमारा है लेस देन इक्वल टू हमारे पास जो भी अपर लूप में आई था एंड देन जे प्लस प्लस ये हमारे स्टैटिक प्रिंट करवा दिया पार्ट थ्री के। ये हमारे अब पार्ट जो है ए भी हो गया टू वन भी हो गया टू भी हो गया थ्री भी हो गया। मैं बैक स्लैश टी देता हूँ ताकि जो फोर पार्ट हो वो भी फर्क पे हो इससे। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट फोर। पार्ट फोर के लिए मैं पार्ट थ्री और पार्ट फोर के लिए पहले स्पेस ही देंगे तो पार्ट फोर के लिए मैं स्पेस दे देता हूँ फॉर हमारे पास
वन होगा एंड देन एस लेस देन होगा हमारा जो अपर लूप है एंड देन एस प्लस प्लस सी आउट हमारे पास होगा स्टेरिक एंड देन अप स्पेस देन सी आउट सॉरी सॉरी हम इसके स्टार्ट पॉइंट को डालते हैं लूप के थ्रू फॉर j इज इक्वल टू 10 एंड देन j ग्रेटर देन इक्वल टू i देन j माइनस माइनस ये कर देगा हमारे पास सी आउट स्टैटिक प्रिंट को डालते हैं एंड एंड में एंड लाइन कर देते हैं एक लाइन में सब लिखा जाए तो मैं इसको सेव करता हूँ देन रन करते हैं तो ये आ गया हमारे पास मैंने बैकलेस ही लिख दिया ओके दूसरे के बाद लिखा गया तो ये हमारे प्रिंट हुआ था जिस तरह पिक्चर में दिया गया था।